लोग अपना नया पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कहाँ रहेगी चिड़िया। इसका हम लोग अर्थ भी देखते जाएंगे। आधी आई जोर जोर से, डाले टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब वह चिड़िया कहाँ रहेगी। भावार्थ इसका होगा, कविता की इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि तेज आंधी आने के कारण पेड़ की डाल टूट गई और उसकी वजह से चिड़िया का घोंसला उड़ गया तथा चिड़िया के अंडे भी फूट गए। कवित्री चिंतित है कि अब यह चिड़िया किससे अपना दुख बताएगी और कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची कर रहती है घर में तो वो नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। भावार्थ इसका है, चिड़िया की व्यथा को समझते हुए कवित्री उसकी मदद करना चाहती है, इसलिए वे अपने घर की अलमारी को खोलकर चिड़िया को उसमें रहने के लिए बुला रही है, लेकिन वह तो चींची करते हुए इधर उधर भाग रही है, वह घर में नहीं रहना चाहती। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। इन पंक्तियों में कवित्री अपनी श्रीवास्ता का वर्णन करते हुए कहती है कि अब हर घर में पेड़ कहाँ से लाए जिसमें वह अपना घोंसला बना सके, और भला फूटे अंडे कैसे जोड़े, चिड़िया अपना ये सारा दुख किससे कहेगी, न जाने चिड़िया कहाँ रहेगी। अब इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। जोर जोर से आंधी आने पर क्या हुआ, तो उत्तर होगा जोर जोर से आंधी आने पर पेड़ की डालें टूट गई, पक्षियों के घोंसले उड़ गए और उनके अंडे भी फूट गए। फिर प्रश्न, चिड़िया बुलाने पालवारी में रहने के लिए क्यों नहीं आ रही, तो उत्तर होगा क्योंकि चिड़िया का पेड़ पर बने घोंसले में रहना पसंद है। चिड़िया के लिए दुख की क्या बात है, चिड़िया के लिए सबसे दुख की बात है कि उसका घोंसला उड़ गया और उसके अंडे भी फूट गए। कविता के अंशों को वाक्यों के रूप में लिखिए। कविता के अंश है और वाक्य, आधी आई जोर जोर से, तो जोर जोर से आधी आई, डाले टूटी हैं झकोर से, तो वाक्य में होगा तेज हवाओं से डाल टूट गई, हमने खोला अलमारी को, हमने अलमारी को खोला, बुला रहे हैं बेचारी को, उस बेचारी चिड़िया को बुला रहे हैं। इस कविता पर दो सवाल बनाइए। तो दो सवाल है, कवित्री तितली को अंदर क्यों बुला रही है, बारिश होने से तितली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस कविता को संवादों की तरह लिखिए। कवित्री, हे तितली तुम खिड़की में आ जाओ, बादल बरसने वाले हैं जिससे तुम्हारे पर गीले हो जाएंगे और रंग भी धुल जाएगा, तुम्हें फूल भी नहीं बचा पाएगा। अगला है, आप पेड़ के नीचे हो और जोर की आंधी आ जाए तो क्या करेंगे। हम झटपट पेड़ से दूर हटकर खड़े होंगे क्योंकि पता नहीं कब डाल टूट कर मेरे ऊपर आ गिरे। अगला है, जिसका घोंसला उड़ गया हो आप उस चिड़िया की मदद के लिए क्या क्या करेंगे। उत्तर, मैं उस चिड़िया के लिए घास फूस का दूसरा घोंसला तैयार करूंगा और उसे किसी पेड़ की डाल पर फंसा कर उस पर चिड़िया को बैठाऊंगा। अगला प्रश्न है, आधी आने पर चिड़िया के सामने क्या क्या समस्याएं आई होंगी। तो उत्तर होगा, आंधी आने पर चिड़िया के रहने की जगह नहीं रही और उसके अंडे भी फूट गए, जिससे उसे बहुत दुख हुआ होगा। भाषा के रंग आइए। नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार चिड़िया शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, ऐसा वाक्य जिसमें पांच शब्द ही आए। चिड़िया बहुत ही दुखी है, ये बन जाएगा। फिर ऐसा वाक्य जिसकी चिड़िया के रंग का भी उल्लेख हो, तो उत्तर में लिखेंगे, वह देखो काले रंग की चिड़िया उड़ रही है। फिर ऐसा वाक्य जिसमें चिड़िया शब्द के साथ अगर भी आए, तो उत्तर में लिखेंगे आप, अगर चिड़िया के पंख न होते तो क्या होता।
इस कविता की रचना सुश्री महादेवी वर्मा ने की है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में गाय, हिरण, गिलहरी, कुत्ता, नेवला जैसे तमाम पशु पक्षी पाल रखे थे, जिनके नाम गौरी, सोना, रोजी, निक्की आदि रखे थे। अब यह प्रश्न, आपके घर में कौन कौन से जानवर पाले गए हैं? तो उत्तर में आप लिखेंगे, मेरे घर में एक पालतू कुत्ता है। फिर उनको किस किस नाम से बुलाते हैं? तो उत्तर होगा, हम उनको चेतक बुलाते हैं। फिर प्रश्न है, उनकी दो दो खास बातें लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, वो बहुत ही समझदार है और घर के चारों तरफ की निगरानी करता है। फिर अगला है, क्या कठिनाई होगी? अपना घर न होने पर हम लोगों को क्या कठिनाई होगी? तो उत्तर में है, अपना घर न होने पर हम लोगों को हर मौसम में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर पेड़ न होने पर चिड़ियों को क्या कठिनाई होगी? तो उत्तर होगा, पेड़ न होने पर चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाएंगी तथा अपने अंडों और बच्चों को कैसे सुरक्षा करेंगी। फिर एक कविता में आया है, कैसे फूटे अंडे जोड़े। फूटा अंडा जोड़ा नहीं जा सकता, पर हमारे आसपास बहुत सी ऐसी टूटी फूटी चीजें होती हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है। सोच कर लिखिए, आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें टूटने फूटने के बाद भी मरम्मत द्वारा जोड़ा जा सकता है। तो उत्तर में लिखना आपको, लकड़ी के सामान, लोहे के सामान और आभूषण। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। प्रत्येक चित्र के आधार पर एक अनुच्छेद इस क्रम में लिखिए कि कहानी का रूप बनता जाए। जैसे एक चिड़िया थी, उसके तीन बच्चे थे, वे अभी बहुत छोटे थे। चिड़िया रोज दाना लाती और खिलाती थी। कुछ समय बाद दोनों बच्चे बड़े हो गए। एक दिन चिड़िया दोनों को घोंसले से बाहर लेकर आई। दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। चिड़िया ने धीरे धीरे बच्चों को उड़ना भी सिखाया। इस प्रकार वे उड़कर बहुत खुश हुए। ठीक है, चित्र को देखने के बाद जो है आपने कहानी इस टाइप की लिख ली है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।